ॐ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 17 मध्य लीला प्रयास संख्या 119। तो प्रकाशन सरस्वती और उनके एक तरह से शिष्य कह लीजिए, उनकी डिस्कशन चल रही है। और वो जो व्यक्ति थे ब्राह्मण, वो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखकर और उनकी एक्टिविटीज को देखकर बड़े प्रभावित हैं और उनसे गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी दूसरे का गुणगान नहीं सुन सकता है, हाँ, तो ऐसा दिखता है यहाँ पर। प्रकाशन सरस्वती एकदम से कहिए तो ढोंगी है, ढोंगी भावुक व्यक्ति है। तो प्रकाशन सरस्वती बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल शुनि चैतन्य रसंगे हैल पागल। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु मैंने सुना है कि वे भी इस चैतन्य की संगति से पागल हो गए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जानता है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य भी हम सुनते हैं कि पहले भी इसी प्रकार के निर्विशेषवादी थे। और जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचते हैं साउथ इंडिया में, और वहाँ पे उनके साथ उनका इतना लंबा 7 दिनों तक डिस्कशन चलता है, उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर परिवर्तन आता है कि वो एक शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त बनने की प्रोसेस को ये क्या बोल रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं इसकी संगति में। किसी व्यक्ति में उनके अंदर कोई शुद्धता है, कोई ताकत है, तभी तो दूसरे को परिवर्तित कर पाता है। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्र जाली काशी पूरे नाभि काबे तार भाव काली। यह चैतन्य केवल नाम का सन्यासी है, वास्तव में यह बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी हो, काशी में उसका भावुकता की, काशी में उसकी भावुकता की मांग अधिक नहीं होगी। ये कौन है? बहुत बड़ा जादूगर है जो लोगों को पागल बना रहा है एक्चुअली में। तो ये कोई सन्यासी नहीं है ऐसा वो बोलते हैं, जैसे कि अक्सर इसका उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये लोग जादू टोना कर देते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं हमारे लोगों को, हमसे छीन लेते हैं, हमारे बच्चों को छीन लेते हैं इत्यादि। लेकिन बाद में वही लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, शुरू में ऐसा लगता है उनको, क्योंकि इतना ज़बरदस्त आकर्षण तो भौतिकता में भी नहीं है। लोग किसी भौतिक चीज़ से भी इतना आकर्षित नहीं हो जाते जितना कि कई बार इस मूवमेंट से आकर्षित हो जाते हैं इसकी शुद्धता के कारण। तो बोले काशी में नहीं चलेगा। काशी में कौन है? काशी में लोगों का हृदय ही नहीं है, जड़ हो चुके हैं, एकदम पत्थर हो चुके हैं काइंड ऑफ, क्योंकि वो निर्विशेषवादी फिलॉसफी को पढ़ पढ़ के, सुन सुन के उनके अंदर प्रेम का समाप्ति हो गई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वाकई में पत्थरों के आगे रोते रहो तो पत्थरों का क्या बिगड़ेगा। तो जब हृदय पत्थर हो जाते हैं तो भावुकता की जगह ही कहाँ रह जाती है। भक्ति में भावुकता बड़ी इंपॉर्टेंट है, भक्ति में केवल भावुकता इंपॉर्टेंट नहीं है, भावुकता के साथ साथ फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भावुकता की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हम कितनी बार सुन, पत्रम पुष्पम फलम तो एम यो में भक्त्या, भक्ति के भाव से जो मुझे अर्पित करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति का भाव बड़ा जरूरी है, सेवा का भाव बड़ा जरूरी है। वेदांत श्रवण कर नाया ही है तार पाश उच्च उच्छंकल लोक संगे दुई लोक नाश। तुम चैतन्य को मिलने मत जाना, तुम वेदांत सुनते रहो। यदि तुम ऐसे उच्छृंखल लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम गए तो तुम भी परिवर्तित हो जाओगे, तुम भी जादूगरी में आ जाओगे, ऐसा कहना चाह रहे हो, और तुम्हारा सब सत्यानाश हो जाएगा। इस श्लोक में जो उच्छृंखल शब्द का माने अर्थ है उसका है मनमौजी मतलब, तो यानी कि विम्सिकल, मनमौजी, जो मन से चले। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लोग मनमौजी हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु की पूरी परंपरा एकदम शास्त्रों पे अड़िग रहने वाली है। वो प्रवचन भी देते हैं तो शास्त्रों में से देते हैं, वो जो भी बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार करते हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार चलता है वो मनमौजी नहीं हो सकता है। एतशुनि से ही विप्र महा दुख पाइला कृष्ण कृष्ण कही तथा हईते उठी गेला। उस जब उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को श्री चैतन्य के महाप्रभु के बारे में इस प्रकार कहते सुना तो बड़ा दुखी हुआ। कृष्ण कृष्ण कहता हुआ वहां से चला गया। यही हमारा आचरण होना चाहिए, जहां पर भी वैष्णव निंदा हो, जहां पर भी भगवान की निंदा हो, उस जगह में कतई नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, द्वेष, आपसी द्वेष के कारण वैष्णव लोग एक दूसरे की निंदा करना शुरू कर देते हैं। देखो जी वो गलत है हम सही हैं, अरे नहीं जी हम वो गलत हैं हम सही हैं। तो ये निंदा का पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए हमें, अननेसेसरली हमारी श्रद्धा बनी हुई है उसको क्यों तोड़ा जाए।
उससे जरूर सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति ने जैसे सुना कि ये व्यक्ति उसको इतना तो समझ में आ गया था, चाहे कुछ भी हो ये व्यक्ति बहुत ही शुद्ध है, चैतन्य महाप्रभु कोई दिव्य आत्मा है, ये भगवान नहीं भी है तो उनके विषय में कुछ सुनना ठीक नहीं है, तो कृष्ण कृष्ण कह के चला गया। प्रभु दर्शन शुद्ध हैया छे तार मन प्रभु आगे दुखी हैया करे कहे विवरण। उस ब्राह्मण का चित्त भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के कारण पहले से ही शुद्ध हो गया था, अतः वैसे चैतन्य महाप्रभु के पास गया और प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो कुछ हुआ था कह सुनाया। उसे बड़ा दुख हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि प्रकाशानंद सरस्वती ऐसे कर रहे हैं। तो क्या चैतन्य महाप्रभु आपसे बदला लेंगे? भक्त कभी बदला नहीं लेता है वास्तव में, अरे तो भगवान है जो भक्तों के गाइड हैं, सुप्रीम गुरु हैं, तो सुनते हैं क्या करते हैं महाप्रभु। सुनि महाप्रभु तवे ईशत हासिला पुनरअपि से ही विप्र प्रभु र पूछिला। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए और तब वह ब्राह्मण महाप्रभु से इस प्रकार बोले। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं जीवात्मा की स्थिति क्या है, जीवात्मा अहंकार में दंभ में इस संसार में गिरी पड़ी है, इसलिए उसके लिए ये सब करना बड़ा नेचुरल है। इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हो जाना, किसी की निंदा करना, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, यही तो करती है जीवात्मा सालों साल। कुछ लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं वो भी यही काम करते हैं, क्योंकि वो सो कॉल्ड धार्मिकता है वास्तव में वो कर्मकांड है जिससे कि हृदय शुद्ध नहीं होता है। इसलिए धार्मिकता में लगे लोग भी, इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो लोग धार्मिक नहीं हैं वो धार्मिकता वाले लोगों को ये कहते हैं कि देखिए जी जितने भी युद्ध हुए हैं वो धार्मिकता के कारण हुए हैं। हाँ देखो ये हिंदू मुस्लिम के राइट्स, ये आपस के झगड़े, तो धार्मिक है वही तो लड़ रहे हैं, वास्तव में धार्मिक है वो नहीं लड़ रहे हैं, जो धर्म ध्वजी हैं वो लड़ रहे हैं, जिन्होंने धर्म के नाम की पताका फहरा रखी है, धर्म को जानते तक नहीं है, उन्होंने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन मार देंगे काट देंगे इस कौम की व्यक्ति को, काट देंगे वो कहेगा इस कौम को काट देंगे, उन्होंने शास्त्र पढ़े तक नहीं होंगे, उनका अमल नहीं किया होगा, तो वो लोग धार्मिक नहीं कहलाए जाते, आध्यात्मिक नहीं कहलाए जा सके कह सकते हैं, ये तो केवल कुछ ही रीति रिवाजों के चक्कर में उससे अपने आप को एसोसिएट मार रहे हैं, जैसे कि वो देहात्म बुद्धि में है। जो व्यक्ति कहे मैं अमेरिकी हूँ, मैं इंडियन हूँ, क्या है, देहात्म बुद्धि। अगेन जो व्यक्ति कहे मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो क्या है, वो भी देहात्म बुद्धि है, देह से एसोसिएट करें, क्योंकि वही व्यक्ति अगले जन्म में किसी दूसरे के यहाँ पैदा हो सकता है। वास्तव में हम सभी कृष्ण के दास हैं, भगवान के दास हैं, ईश्वर के दास हैं, ये असली पहचान है। तो ये व्यक्ति जो है, महाप्रभु जानते थे कि जीवात्मा की स्थिति है, इसलिए उस पर तरस आता है। हाँ भक्तों को कई बार जब दूसरों को गलत करते हुए देखते हैं तो उनको हंसी आती है, तरस आता है कि ये व्यक्ति कितने भटक चुके हैं वास्तव में। तार आगे या बेआमी तोमार नाम लैला सेहत तोमार नाम जाने आपने का हिला। उस ब्राह्मण ने कहा जो ही मैंने आप उसके सामने आपका नाम उच्चारण किया, क्यों ही उसने इस बात की पुष्टि करी कि वो आपको जानता है। हाँ खबर सारे रखते हैं लोग, कौन क्या कर रहा है, लेकिन अंदर से उस खबर के आधार पर ईर्ष्या पैदा करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जाके उसको अप्रिशिएट कभी नहीं करते हैं। तुम्हारे दोष कही ते न करे नामे रोचार चैतन्य चैतन्य करी कहे तीन बार। आपके दोषों को गिनाते हुए उसने तीन बार चैतन्य, अच्छा वो चैतन्य, हाँ वो तो ढोंगी है, अच्छा वो चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य को उसने पागल कर दिया है, अच्छा वो चैतन्य हाँ जो नाश्ता खाते रहता है, तो उसने तीन बार समझ लिया चैतन्य बोल दिया। हाँ कितना शुद्ध हो गया ये ब्राह्मण, सोचिए इतना शुद्ध हो गया इतनी जल्दी, जस्ट दर्शन करते ही सारी निर्विशेषवादी फिलोसफी साइड में चली गई और क्या बोलने लगा, नाम की महिमा गाने लगा कि नाम की इतनी महिमा है महाप्रभु, कम से कम उसने आपका नाम तो लिया। सोचिए निर्विशेषवादी ऐसा बोले, ये तो भक्ति की परिभाषा है कि भगवान का रूप, उनका नाम, उनका 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 प्रसाद, उनके विग्रह, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भक्त लोग जानते हैं। यहाँ ये ब्राह्मण भी वैसी बात कह रहा है चैतन्य करके उसने तीन बार आपका नाम लिया, कम से कम तीन बार एक कृष्ण नाम ना आई लार मुखे अवज्ञाते नाम लय शूनी पाई दुखे। यद्यपि उसने आपका नाम तीन बार लिया लेकिन कृष्ण का नाम नहीं ले पाया, तो कृष्ण का नाम नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं, चैतन्य नाम लेना और कृष्ण नाम लेना में भी कोई अंतर नहीं है, बल्कि चैतन्य नाम जो है पतित पावन है, हम जैसे लोगों के लिए तो यही बेहतर है, गौरांगा जैसे हम बोलते हैं गौरांगा, हाँ तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जैसे हमने सुनते हैं कि विश्वामित्र कौन थे रामायण के रचयिता, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो है राम उनको बोला, नारद जी ने राम बोलो राम,
तो बोला ही नहीं क्या? तो बोलो मरा, बोलो मरा, तो हाँ ये तो जाना बेचाना से लग रहा है, मरा मारा मारो, तो उसने मरा बोला। तो कई बार शुद्ध नाम निकलता नहीं है मुंह से। कितने लोग होंगे जो आप उनको बोलोगे आपके साथ गीता देने जाएंगे, ऐसा मुंह बना लेंगे एकदम खड़ा सा, आप बोलोगे हरे कृष्णा तो भी ऐसे ही मुंह मुंह से बोलेंगे नहीं, जैसे मुंह चिपक गए होंठ कई गोल से, बोलेंगे नहीं वो लोग। उनको लगेगा बोलते ही क्या पता पुस्तक चिपका दे, एक बार हरे कृष्णा बोला किता गीता लेनी पड़ेगी, ऐसा लगने लगता है उनको, तो एकदम चुप। तो भाग्यवान लोग होते हैं जो अपने मुंह से भगवान का उच्चारण कर पाते हैं नामों का। तो इसलिए बोला है कृष्ण का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि उसने तिरस्कार करके आपका नाम लिया थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को नीचा दिखाने के लिए निंदा करी, ब्रह्म चैतन्य आत्मा परमात्मा जगदीश ईश्वर विराट विभू विभा भूमा विश्वरूप व्यापक शब्द अपरोक अपरोक्ष रूप से कृष्ण के सूचक है। ये डायरेक्ट प्राइमरी नेम्स नहीं है भगवान के, कौन से? परमात्मा जगदीश ईश्वर विराट, किंतु इन नामों का उच्चारण करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनकी दिव्य लीलाओं के प्रति वास्तव में आकृष्ट नहीं होता। इन नामों से थोड़ा सा आलोक तो प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य ये नहीं समझ सकता कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है। अल्प ज्ञान के कारण में भगवान के नाम को भौतिक मानता है। मायावादी दार्शनिक एवं पंचोपासक आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अस्तित्व तथा वहां की आनंदमय विविधता के विषय में तनिक भी नहीं समझ सकते। वे परम सत्य तथा उसकी आध्यात्मिक विविधता अर्थात उनके नाम रूप गुण लीलाओं को नहीं समझ सकते, फलतः वे कृष्ण के दिव्य कार्यों को माया मानते हैं। इसलिए इस भ्रांत धारणा से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम के प्रत्यक्ष ज्ञान को विकसित करना, यानी कि वो इतनी वैराग्य पैदा कर लेते हैं संसार से, वो कहते हैं ये इंद्रिय तृप्ति के काम है सारे, जो हम भी कहते हैं, वो कहते हैं सब बेकार है, सब त्याग देना चाहिए, हम भी कहते हैं। इस प्रकार से वो कृष्ण के नाम कृष्ण की लीला को भी माया समझते हैं, वो आध्यात्मिक जगत की कहानियों को भी माया समझते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि केवल ये सब कुछ माया है, तो असली चीज क्या है? अगर माया है तो कोई असली चीज तो होनी चाहिए ना, तो असली चीज क्या है? वो शून्य है। अब शून्य तो कोई चीज नहीं हुई वास्तव में, कोई चीज हुई नहीं हुई ना। जैसे आप बोलोगे क्या खाओगे, बोलेंगे जी राजमा खाएंगे, पकौड़े खाएंगे। अब वो कहेंगे कि क्या खाओगे, बोले कुछ खाएंगे। कुछ कैसे खाओ, कुछ क्या खाओगे? कुछ खाएंगे, शून्य खाएंगे, तो बात बनती नहीं है। तो इसी तरह से जो मायावाद है, यदि आप बोलते हो ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, कृष्ण भी झूठ है, उनकी लीलाएं भी झूठ है, आध्यात्मिक जगत भी झूठा है, भौतिक जगत भी झूठ है, सब कुछ झूठ है, तो फिर सच क्या है? ये समझ नहीं आता है। सच कोई शून्य है, तो ये ऐसा ऐसा, इसलिए वो भगवान के रूप गुण लीलाओं सबको माया बोलते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। समझ में आया? मायावादी क्यों कहते हैं उनको? इसलिए इस भ्रांत धारणा से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम मान नाम के प्रत्यक्ष ज्ञान को विकसित करना चाहिए। मायावादी दार्शनिक यह नहीं बात नहीं जानते, अतः वे बड़े अपराध करते हैं। अतः मनुष्य को मायावादी निर्विशेषवादियों के मुख से कृष्ण या भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। इहर कारण मोरे कह कृपा करी, तोमा देखी मुख मोर भले कृष्ण हरि। आखिर प्रकाशानंद ने कृष्ण तथा हरि के नाम क्यों नहीं लिए? उसने चैतन्य का नाम 3 बार उच्चारण किया। मैं तो आपको देखकर ही कृष्ण तथा हरि के नामों को उच्चारण करने के लिए प्रेरित हो जाता हूं। उसके मुंह से ये नाम क्यों नहीं निकला? महाप्रभु, प्रभु कहे मायावादी, कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मायावादी निर्विशेषवादी लोग भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं, इसलिए वो मात्र ब्रह्म आत्मा तथा चैतन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि वो ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन भगवान के विशेष शब्द विशेष नामों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि एक व्यक्ति के सूचक हैं। गिरधारी, मुरलीधर, ऐसे नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इससे तो उन्हें लगता है कोई व्यक्ति के नाम है, कोई भगवान के नाम थोड़ी है। आप भगवान को लिमिट कैसे कर सकते हो? भगवान एक ही समय पर विशेष भी हैं और एक ही समय पर निर्विशेष भी हैं। वो एक ही समय पर एक व्यक्ति भी हैं, क्योंकि गोलोक धाम में स्थित हैं, और उसी समय पर वो हर संसार के हर कण में भी व्याप्त हैं। दोनों चीजें एक साथ हैं, इसीलिए वो भगवान है। इस बात को ना समझते हुए वो भगवान के विशेष नाम तो नहीं बोलते हैं कृष्ण राम, लेकिन ब्रह्म आत्मा चैतन्य शब्द बोल देते हैं। अतएव तार मुखे नाई से कृष्ण नाम, कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुईते समान। कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुंह पर नहीं आता है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण जो अपने नाम से अभिन्न है, वो उनके प्रति अपराधी है, इसलिए उनका नाम नहीं ले पाते। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाही
तीना भेद नाही तीना चिदानंद रूप। भगवान का पवित्र नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप, ये तीनों एक हैं। यानी कि वो साक्षात कृष्ण और विग्रह यानी कि मूर्ति स्वरूप जो हम बोलते हैं जनरली, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सभी परम पूर्ण हैं। अतः ये चिदानंद स्वरूप अर्थात दिव्य स्वरूप के आनंदमय है, ये दिव्य स्वरूप के आनंदमय है। देह देहिर नाम नामिर कृष्ण नाहि भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में या उनके नाम तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु जहां तक बद्ध जीव का सवाल है, उसका नाम उसके शरीर से उसके मूल स्वरूप आदि से भिन्न है कि नहीं। हमारा नाम माना इस जन्म में कुछ है, यदि हम दोबारा पैदा होते हैं तो हमारा नाम बदल दिया जाएगा और हमें पता भी नहीं होगा कि हमारा क्या नाम था, हमारा आइडेंटिटी नहीं। हमने इस प्रकार हमने इस संसार में न जाने कितने नाम लिए, इवन कुत्ता बिल्ली बनने पर भी हमने कुछ नाम लिए होंगे, टॉम जैकी, तो हमारे नाम जानवरों में ही पड़े होंगे, इवन गाय बैलों के भी नाम पड़ जाते हैं, ना जाने कितने नाम पड़े होंगे हमारे, सोचिए। और हम नाम के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, अपने नाम के पीछे, कैसे ले दिया उसने मेरा नाम, मेरी बुराई कैसे कर दी, मेरा सारा नाम खराब कर दिया। अरे आपका नाम तो है ही नहीं, आपका नाम तो आपको पता ही नहीं है, ना किसी को पता है, कैसे खराब करेगा। आपका जो नाम खराब किया वो तो आपका टेम्परेरी नाम था, वो आपका वास्तविक नाम नहीं था, वो तो इस शरीर के साथ आपको एक नाम दिया गया था। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, बद्ध जीव के नाम में और बद्ध जीव में अंतर है, क्योंकि ये नाम शरीर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम और उनमें कोई भी अंतर नहीं है, चाहे वराह क्यों ना बोलो, कोई सा भी रूप क्यों ना बोलो, त्रिविक्रमा, कोई सा भी नाम क्यों ना बोला जाए, उनमें और उनके उनमें कोई अंतर नहीं है। सोचा यहाँ पर चैतन्य महापुरुष ब्राह्मण से कह रहे हैं कि मायावादी दार्शनिक नहीं समझ सकते कि जीव गुण में पूर्ण पुरुषोत्तम के समान है, वे इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो सोचते हैं कि जीव माया द्वारा बद्ध होने के कारण मूल ब्रह्म से विभाजित हो गया है। मायावादियों का विश्वास है कि परम सत्य निर्विशेष है। अंततः जब भी ईश्वर का अवतार या स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं तो माया को लेकर आते हैं, माया का आवरण, हमने बताया ना, वो कहते हैं कि सब कुछ माया है, वास्तव में जगत भी माया है, यहाँ तक तो हम भी कहते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत जिसकी आप बात कर रहे हो ये भी माया है, ये कृष्ण माया है, ये रूप, ये श्याम सुंदर रूप माया है, ये लीलाएं माया है, ऐसा वो कहते हैं। और कहते हैं कि जो ईश्वर का स्वरूप है उसी जगत की उपज है। अल्पज्ञानी होने के कारण ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण का स्वयं अपने से भिन्न कोई शरीर है ही नहीं, वे तथा उनके शरीर एक ही हैं, परम सत्य हैं। ऐसे लोग कृष्ण का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण उनके चरण कमलों पर अपराध करते हैं, इसलिए वे परम सत्य के मूल नाम कृष्ण का नामोच्चारण नहीं करते, वे अपने निर्विशेष ढंग से निर्विशेष ब्रह्म आत्मा का उच्चारण करते हैं। इसलिए उनसे ओम कहलवा लो या ब्रह्म कुछ ऐसा करवा लो, दूसरे शब्दों में परम सत्य के अप्रत्यक्ष निर्देश में उलझे रहते हैं। यदि वे कभी भूल से गोविंद कृष्ण या माधव का नाम उच्चारण करते भी हैं तो यह समझ नहीं पाते कि परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुष गोविंद या कृष्ण या माधव के समान है। अंत तो गत्वा निर्विशेषवादी होने के कारण उनके साकार नाम उच्चारण में कोई शक्ति भी नहीं होती, वास्तव में कृष्ण में विश्वास नहीं रखते करते, अभी तो इन नामों को भौतिक ध्वनि मानते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं नाम अपराध, पवित्र नाम को क्या मानना, एक साधारण भौतिक ध्वनि मानना, यही मानना कि इसकी जो गुणगान किया जा रहा है वो अतिशोक्ति है, ऐसा तो नहीं है, नाम में इतनी महिमा नहीं है, ये सब बातें करना एक अपराध है। पवित्र भगवान नाम की महिमा ना समझ पाने के कारण ही वे अप्रत्यक्ष नाम लेते हैं, ब्रह्म आत्मा चैतन्य। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण का नाम तथा कृष्ण पुरुष यानी कि नामी दोनों आध्यात्मिक हैं। तभी तो इतने सालों तक हम लोग कंटिन्यूसली नाम जपते रहते हैं, कितना मुश्किल काम है ये, कोई व्यक्ति इतने नाम जपे रोज के रोज के रोज के रोज सालों साल एक ही नाम को जपता रहे। कृष्ण से संबंधित हर वस्तु दिव्य आनंदमय तथा वस्तु परक है। बद्ध जीव के लिए शरीर आत्मा से भिन्न है, बद्ध जीव के लिए शरीर अलग है आत्मा अलग है, और ये शरीर दूसरी आत्मा दूसरे दूसरे शरीरों में जाता है, और पिता द्वारा दिया गया नाम भी आत्मा से भिन्न है। भौतिक वस्तुओं के साथ अपनी पहचान बनाने के कारण ही बद्ध जीव अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता, इच्छा ही नहीं रख पाता ना कि मुझे जाना है मेरा घर, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा एक घर है कहीं और एक घर भी है,
उस घर को भूल जाता है, संसार की इंद्रिय तृप्ति में इतना डूब जाता है कि अपने वास्तविक घर को भूल जाता है। जैसे हम स्टोरी की, एक बच्चा जो अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया और संसार में यहाँ तहाँ इंद्र तृप्ति करने लगा, अपने घर को भूल गया। सालों साल पिताजी वेट करते रहे, माताजी वेट करते रहे, फिर एक दिन ऐसा आया कि बच्चा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके दो दोस्तों ने उसको त्याग दिया क्योंकि उसका धन समाप्त हो चुका था। जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया था तब सब ने उसको लात मार के छोड़ दिया क्योंकि उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। तब उसको फिर धीरे धीरे अपने घर की याद आती है। तो ये मूर्ख व्यक्ति है जो इतने समय बाद अपने घर की याद करता है। उसी तरह से जीवात्मा ही संसार में आता है, भोग विलास, इधर खाना पीना, मजे करना, खेलना कूदना, शॉपिंग करना, इसमें इतना डूब जाता है कि उसको याद तब आता है जब उसका सब लूट जाता है। कई बार चोरी डकैती हो जाती है, कई बार गवर्नमेंट छीन लेती है, नहीं तो बुढ़ापे में सब कुछ छीन जाता है अपने आप। और तब उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है, अरे मेरा तो एक घर था। जब उसको कोई संत पुरुष, वो भी तब जब कोई संत पुरुष उसको याद दिलाता है, तो वही बता रहे हैं कि महाप्रभु स्वरूप अर्थात जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन महाप्रभु ने इस प्रकार किया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। बद्ध जीव को अपने मूल स्वरूप के कार्यों को भूल चुका है, किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी भौतिक शरीर भौतिक जगत से प्रभावित होते ही नहीं है, तो भूलेंगे तब। हम तो भौतिक जो माया शक्ति है, माया शक्ति के कारण सब भूल जाते हैं, जिसको भोगने का हम प्रयास करते हैं और वही हमें सब कुछ भुला देती है। जैसे कि हम शराब पीने का प्रयास करते हैं और वो शराब हमें सब कुछ भुला देती है। हम सोचते हैं हम उसको पी रहे हैं, वास्तव में शराब हमें पी रही होती है। उसी तरह से हम सोचते हैं कि हम माया को भोग रहे हैं, वास्तव में माया हमें विस्मृति करा रही है कृष्ण की। माया कृष्ण जैसी कोई वस्तु नहीं है। कोई कहे कि माया कृष्ण है, तो माया कृष्ण है क्योंकि कृष्ण भौतिक है ही नहीं, तो कृष्ण माया कृष्ण का, माया कृष्ण की है, ये सेंटेंस सही है। कृष्ण के शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं। हाँ, जैसे कि हमारा है, शरीर और आत्मा का अंतर बद्ध जीवों पर है। बद्ध जीव का शरीर आत्मा से भिन्न है और उसका नाम उसके शरीर से भिन्न है। किसी का नाम जॉन हो सकता है और हम जॉन कहकर पुकारें तो हो सकता है कि वह कभी भी प्रकट ना हो सके, किंतु यदि हम पवित्र कृष्ण के नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, तो तुम्हारे तुरंत वे हमारी जीव पर प्रकट होते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया, कृष्ण ने कहा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ भी मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां पर उपस्थित होता हूँ। जब भक्तगण कृष्ण के पवित्र नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं तो कृष्ण वहां तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है। आध्यात्मिक वर देने वाला है यानी कि भक्ति देने वाला है, आध्यात्मिक भौतिक वर देने वाला नहीं है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आगार स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण में कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त है, आध्यात्मिक है, कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, पद्म पुराण से इसे लिया गया। अतएव कृष्णेर नाम देह विलास प्राकृत इंद्रिय ग्राहे नहे हय स्वप्रकाश। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके उनका शरीर तथा उनकी लीलाएं इन कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। क्यों हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा है जो हम इतना कुछ सुन रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? हमें याद क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, वो जड़ है। ये समझना पड़ेगा। हम इससे इन कुंठित भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते, कैपेसिटी ही नहीं है समझने की। इसलिए ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करें कि जिसने समझा है, जिसने रियलाइज किया, उसकी बात पर विश्वास करके आगे बढ़ें, एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद हम भी इसको रियलाइज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है, कह रहा है, अरे भैया सब ढोंग था, सब ढोंग था, मैंने देख लिया 10 साल। हमने तो ऐसे व्यक्ति नहीं देखे। कोई दुष्ट व्यक्ति होगा जो 100 में से पता नहीं कितना परसेंट होगा,
जो निकलता होगा कहता होगा नहीं नहीं यहाँ तो सब ढोंग है। हमने तो सभी लोगों को एक बार भक्ति में घुसते हैं तो निकलते हुए नहीं देखा हमने तो। कहते रहो कोई दुष्ट व्यक्ति अपराधी व्यक्ति होगा जिसको यहाँ से उठा के भगवान ही फेंक देते हैं, नहीं तो सारे लोग लगे हुए, यानी कि उन्होंने प्रारंभ में उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ होगा नहीं, लेकिन उन्होंने विश्वास किया गुरु परंपरा पे और विश्वास करके इसको प्रैक्टिस किया और इसको एक्सपीरियंस किया और इसको कर रहे हैं और अब वो आगे वाले लोगों को बता रहे हैं। क्या बताने वालों को कोई पैसा मिल रहा है? नहीं, क्योंकि अब उन्होंने एक्सपीरियंस किया। कहते हैं ना कि तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न सेविया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है। चाहे कोई व्यक्ति, जैसे हम बोलते थे चैतन्य महाप्रभु यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, या बोलते थे हमार आज्ञा गुरु आए तार यही देश, हर किसी को गुरु होने के लिए बोला जा रहा है तो क्या मतलब सभी लोग, कई बार लोग बहस करते हैं कि सब लोग क्या नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध ही तो किसी को मुक्त करा सकता है, लेकिन ऐसा चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला। उनका जितनी भी रियलाइजेशन है कपड़े उतनी तो शेयर करो, वी आर नॉट सेइंग वी आर सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, बट कुछ कुछ रियलाइजेशन है सबके अंदर इसको प्रैक्टिस को करने की वजह से, और जितनी भी रियलाइजेशन है उस उतनी शुद्धि के साथ यदि वो प्रचार करता है तो उसका भी लाभ मिलता है, क्योंकि किसी की चेतना माइनस में है, जीरो है, आपकी चेतना अगर वन भी है, 100% नहीं है, तो माइनस से वन में लाने पर उसको इतना बड़ा परिवर्तन दिखता है अपने अंदर। इसलिए पार्शल रूप से ये सब लोग भी संसार में, हम जो भक्त लोग बनते जा रहे हैं, ये लोग भी तत्वदर्शिना है लिमिटेड वे में कम से कम, और ये उतना ही रियलाइजेशन जब आप शेयर करते हैं तो लोगों में बड़ा परिवर्तन आता है। तो इन कुंठित इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, लेकिन यदि हम डिपेंड करते हैं गुरु परंपरा के ऊपर, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें इसका एक्सपीरियंस धीरे धीरे होने लगता है और तब हमें समझ में आता है। हाँ, अब जो ये 5 साल पहले मुझे बोलते थे, अब वो लेक्चर समझ में आता है। अभी पहले तो कुछ समझ नहीं आता था, नींद आती थी, अब नींद नहीं आ रही है क्योंकि अब एकदम से कनेक्शन बन रहा है। जब तक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों, सतो रजो और तमो गुणों से बद्ध रहता है, तब तक उसकी भौतिक इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, भौतिक रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, शब्द उसे आध्यात्मिक ज्ञान तथा आनंद को समझने में सहायक नहीं होते। वे तो शुद्ध भक्त को अनुभव होते हैं। जीव के भौतिक नाम रूप गुण एक दूसरे से भिन्न है, भौतिक जगत में परम पूर्ण की कोई धारणा ही नहीं है, किंतु जब हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं तब हमें पता चलता है कि कृष्ण के शरीर, उनके नाम, कार्य तथा पार्षदों में कोई भी अंतर नहीं है, सभी शुद्ध हैं, दिव्य अवस्था पर हैं। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण रस रूप सम सब चिदानंद, कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, उनके दिव्य गुण, उनकी दिव्य लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण के समान है, वे सभी आध्यात्मिक तथा आनंदमय, यानी कि ये सभी चीजें शुद्ध करने वाली है, सभी चीज आध्यात्मिक आनंद देने वाली है। कौन सी? भगवान स्वयं, उनका नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं। इसलिए कभी आप भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, कभी उनकी लीलाएं के बारे में चर्चा, कोई सी भी लीला, चाहे वो कोई सी भी लीला हो, डिपेंडिंग कि हमारी प्योरिफिकेशन की स्टेटस क्या है, ये लीलाएं हमें शुद्ध करती हैं, उनका पवित्र नाम भी हमें शुद्ध करता है, आध्यात्मिक बल देता है, आनंद देता है। अतः श्री कृष्ण नामादिना भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवान्मुखे ही जिव्यादौ स्वयमेव स्फूर्दयतः, इसलिए भौतिक इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, कृष्ण के नाम रूप और गुण और लीलाओं को समझ नहीं पाती। इसको हमें साधु गुरु शास्त्र की माध्यम से देखना और समझना पड़ता है। हमारी ये जो हमें शक्तियां मिली हैं, ये शक्ति क्या देखने के लिए मिली है? मैटर को देखने के लिए मिली है। मैटर समझते हैं आप तत्व, ये भौतिक जो तत्व हैं, ये जो 5 तत्व हैं इत्यादि, ये तो देख पाते हैं हम, इनसे और क्या देख पाते हैं? और इनमें भी कितनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं बताइए। अब एक्सरे क्या है? एक्सरे कोई दिव्य रे थोड़ी है, दिव्य प्रकाश तो नहीं है ना। अल्ट्रासाउंड में जो रेज निकलती हैं, सारी रेज है ना, अल्ट्रावायलेट, ये सारी रेज जो है कोई दिव्य रे थोड़ी है, लेकिन हम देख नहीं पाते, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये तो भौतिक चीज़ों को देखने में भी अक्षम है, तो आध्यात्मिक चीज़ों को कैसे देखेगी, कैसे समझेगी? इसलिए हमें इसे गुरु साधु शास्त्र की नज़रों से देखना होता है। इसलिए भौतिक इंद्रियां नहीं समझ पाती। जब बद्ध जीवों में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के शेष बचे भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और क्रमशः समझने लगती है कि कृष्ण कौन है। लेकिन पहले उसके अंदर ये इच्छा तो हो कि मैं चाउमीन नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा? कृष्ण प्रसाद पाऊंगा, चाहे वो
पालक हो, चाहे करेला हो, चाहे बैंगन हो, चाहे चाउमीन हो। तो जिसकी आसक्ति इसमें नहीं है कि मुझे क्या खाने को मिल रहा है, जिसकी आसक्ति केवल इसी में है कि मुझे कृष्ण प्रसाद मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और जो कृष्ण का नाम ले, इस प्रकार उसकी जीभ जो है शुद्ध हो जाती है और इस कारण वो समझने लगती है कि कृष्ण कौन है। ब्रह्मानंद हईते पूर्णानंद लीला रस, ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। भगवान कृष्ण की लीलाओं के रस आनंद से पूर्ण है, लेकिन फिर हमें भौतिक आनंदों में क्यों अट्रैक्शन है? क्योंकि हम अभी भी शुद्ध नहीं हुए हैं, हमें घटिया चीज़ों में आनंद आ रहा है, क्योंकि हमें हायर टेस्ट नहीं लगा है। जैसे हम सुअर को देखते हैं, किसी जानवर को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, लोअर टेस्ट के कारण उसका जो है उसकी चित्त इतना डेवलप्ड ही नहीं है। इस वजह से भगवान कृष्ण की लीलाओं में क्या है, आनंद से पूर्ण है, और हम लोग दिन रात आनंद को ढूंढ रहे हैं। वास्तव में हम लोग इस दिव्य आनंद प्लेजर हंट, जैसे हम कहते हैं, संसार का हर व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो नॉन डिवोटी हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो सुर हो, हर व्यक्ति 100% ऑल द टाइम आनंद की खोज कर रहा है, हर व्यक्ति, क्योंकि आनंदमय वो अभ्यासात, ये सोल का नेचर है, क्योंकि वो भगवान के संगी है, भगवान का अंश है, और भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंदमय लीलाएं करते हैं, इसीलिए जीवात्मा के अंदर भी गुण पाया जाता है। इसलिए वो, लेकिन दिक्कत यह है, अशुद्धि के कारण, हायर टेस्ट डेवलप ना होने के कारण वो छोटी मोटी चीज़ों में ही खुश हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ों में, एक मोबाइल मिलने से खुश हो जाता है, एक नया कपड़ा खरीदने से खुश हो जाता है, हाँ, किसी यूरोप की ट्रैवल से खुश हो जाता है, थोड़ा पैसा मिल जाता है तो खुश हो जाता है, कोई अच्छी स्त्री मिल जाती है तो खुश हो जाता है। ये जीवात्मा का हाल है, बड़ी लोअर टेस्ट उसके अंदर डेवलप हुआ है, लोअर टेस्ट। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं में तो परम आनंद है, रस से पूर्ण है, वे ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित करके उसे जीत लेती हैं। बताइए, एक ज्ञानी व्यक्ति, ब्रह्म साक्षात्कार का व्यक्ति क्या कहते हैं, ना सोचती ना कांक्षती, ना सोचती ना कांक्षती, यह क्या है कि जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत की स्थिति में है, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर कोई लेमेंटेशन ही नहीं है संसार की, कोई इच्छा ही नहीं बची, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से अट्रैक्ट हो जाता है। मद भक्ति लभते परम, उसके बाद वो भक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, हो जाता है कई बार। हाँ, जैसे हम चार कुमार की स्टोरी सुनते हैं, जैसे हम सुखदेव गोस्वामी की स्टोरी सुनते हैं, कि ऐसे व्यक्ति जो संसार से टोटली विरक्त हैं, वो भी जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। बताइए हमारी क्या स्थिति है, जिस व्यक्ति के अंदर नीरसता, हर चीज के प्रति उदासीनता पैदा हुई है, हाँ, वो हर चीज़ को तुच्छ मानता है, वो भी कृष्ण के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। जब कोई समझ लेता है कि वह भौतिक जगत का नहीं है, आध्यात्मिक जगत का है, तो मुक्त कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में स्थिति होना, स्थित होना निश्चय ही आनंदप्रद है, आध्यात्मिक जगत में स्थित होना ही आनंदप्रद है। किंतु जो लोग भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं की अनुभूति को भूति करते हैं, वे आत्मा का साक्षात करने वाले की तुलना में कई गुना अधिक दिव्य आनंद का भोग करते हैं, कई गुना दिव्य आनंद का भोग करते हैं आत्मा का साक्षात करने वालों की तुलना में। कौन? जो भगवान के इन रूप, गुण, लीलाओं के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जब कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थित होता है, तब वह सरलतापूर्वक निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है और उनका दास बन जाता है। इसी कारण से हमने बता रहे थे आपको कि भक्ति में जुड़ने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं, और वो लोग जो भी जाते हैं वो किसी ना किसी अपराध के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना दिव्य और आनंद से भरा है। हाँ, निर्विशेषवाद में केवल तपस्या 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 सी लगती है, हर चीज़ को त्याग दो, हर चीज़ माया है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, यही श्लोक जो हमने सुना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो इस तरह दिव्य पद को प्राप्त है उसे तुरंत ब्रह्म साक्षात्कार होता है और पूर्ण प्रसन्न बन जाता है। वह कभी शोक नहीं करता, कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, और इस स्थिति में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जब कोई आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, तब वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे भौतिक सोच विचारों से मुक्ति मिल जाती है। जो यह पद प्राप्त कर लेता है, वह भौतिक कर्म, कर्मफल से विचलित नहीं होता, वह हर एक को आत्मा के स्वरूप में देखता है, पंडिता समदर्शिना। जब मनुष्य पूरी तरह से अनुभूति प्राप्त कर लेता है, तब वह शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते परम, भक्ति के पद को पाते ही मनुष्य स्वतः अनुभव करने लगता है कि कृष्ण कौन है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है यथा रूप में।
और जो मुझे इतने समझ लेता है वो मेरे धाम में प्रवेश करता है। भक्ति पद पर रहकर ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम इत्यादि गुण लीला इत्यादि को समझ पाता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती समझ नहीं पा रहे थे कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्योंकि वो भक्ति के पद पर नहीं था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा था, या उस आनंद को मिल रहा, वो आनंद आपको मिल रहा है और आनंद मिल रहा है तो भी कह रहा नहीं नहीं झूठ है झूठ है झूठ है, नहीं नहीं गलत है गलत है, इल्यूजन है इल्यूजन है। तो इल्यूजन इल्यूजन बोलते बोलते कई बार हम आध्यात्मिक चीज को भी इल्यूजन बोल देते हैं, क्योंकि उसने सीखा यही कि सब माया है, तो वो इसको समझ नहीं पाता है। इस तरह आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने पर ही जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने दिया जाता है और भगवत धाम वापस जा सकता, ऑब्वियसली कौन जाएगा उस जगह में, बहुत पिटाई होगी जबरदस्त, गलती से पहुंच गए तो गलती से, और गलती ऐसी हो ही नहीं सकती। जहां पर विशुद्ध आत्माएं रहती हों, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, क्यों ऐसी मछली को एंटर करने दिया जाए, क्यों उन्हें उसको निकाल के फेंका जाए। तो भगवान के धाम में ऐसे व्यक्ति जा ही नहीं पाते हैं जो शुद्ध नहीं हुए हैं, जिनका नाम गुण रूप लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण नहीं है, जो अपने जो स्वामी मानते हैं अपने आप को, जो भोक्ता मानते हैं अपने आप को, ऐसी लोगों के लिए बहुत सारी और जगह हैं, हाँ स्वर्ग है नरक है और बहुत सारे लोक हैं, जहाँ पर वो अपने इस अहंकार को पूरा करने के लिए जन्म जन्म तक बार बार पैदा होते रहते हैं और बार बार मरते रहते हैं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध धाम है ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए है, जो केवल भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं और उनके लिए जीना चाहते हैं, उन्हीं की सेवा करना चाहते हैं, उनके भक्तों के लिए मर जाना चाहते हैं। विशदे तद अनंतरम, ऐसे ही लोग अंत में भगवत धाम में एंटर कर पाते हैं। स्वसुख निर्भृत चैतास्तदुव्यो द्रव्यो दस्तान्य भावो अप्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतंत कृपया यस्तत्त्वं दीपं पुराणं तमखिला व्रजिनी व्रजीन घ्रं व्यास सूनम ततोऽस्मि। ये श्रीमद्भागवत में लिया गया 12वें कैंटो से। मैं अपने गुरु व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। सुत गोस्वामी बोलते हैं कि मैं सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, वे ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी अशुभ वस्तुओं को परास्त करते हैं, सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि निरंतर कृष्ण का नाम और उनकी रूप गुण लीलाओं का बखान करते रहते हैं, इस प्रकार सारे संसार को पवित्र करते हैं, सभी अशुभ वस्तुओं को परास्त करते हैं। यद्यपि वे प्रारंभ में ब्रह्म साक्षात्कार में लगे थे, हाँ ब्रह्म 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 में लगे थे, मैं भी ब्रह्म आप भी ब्रह्म और ये सब कुछ ब्रह्म वास्तव में, और अन्य समस्त प्रकार की चेतना का परित्याग करके एकांत में वास कर रहे थे, किंतु वे कृष्ण श्री कृष्ण की अत्यंत रागमयी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए, अतएव उन्होंने कृपा पूर्वक श्रीमद् भागवत नामक सर्वोच्च पुराण का प्रवचन किया, जो परम सत्य का उज्ज्वल प्रकाश है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। इसका मतलब ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, हम लोग कृष्ण की लीला पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर क्यों ना कुछ रिसर्च करें प्रभु, लेट्स डू सम रिसर्च, कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, ये क्या पढ़ते रहते हो कृष्णा भागवतम, कुछ सोचो ब्रह्म के बारे में, कुछ खोज करो, आत्मा कहाँ से आई, जरा रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं। साइंटिस्ट लोग भी बड़े परेशान हैं कि कुछ तो है शरीर के अंदर, जिसको जाते ही शरीर बेकार जाता है, कोई चीज़ तो है, आइए इस पर रिसर्च करें। तो ऐसा भक्त लोग ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान को जानकर उन्हें सारी वस्तुओं की जानकारी अपने आप मिल जाती है। इसलिए हमें भी इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के भक्ति भाव को पैदा करना है, प्रेम को पैदा करना है, हृदय को कोमल बनाना है। ध्यान रखिए, हृदय भक्त का हृदय कोमल होता है। हाँ समय आने पर वो कठोर हो सकता है किसी किसी परिस्थिति में, लेकिन भक्त हमेशा कोमल हृदय रहता है और भगवान के प्रेम और रूप और गुण लीलाओं के बारे में अक्सर चर्चा करता रहा, यही उसका जीवन है और कोई जीवन नहीं। इसके अलावा जो कोई बात करता है, पॉलिटिक्स करता है, कुछ करता है, तो समझ लीजिए वहाँ पर कुछ और समस्या है, वो भक्ति का प्रोसेस नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति का हृदय एकदम दिव्य आनंद में भरा रहे, उसको क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही विचार बनाने का प्रयास कीजिए, ये मत झांकिए कि पड़ोसी भक्त क्या गलतियाँ कर रहा है, ये झांकिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।